यदि मैं जीएसटी की रेगुलर स्कीम के अंदर हूँ तो मुझे जी एस आर वन और जी एस आर थ्री बी कब तक फाइल करनी है इनकी लास्ट ड्यू डेट्स क्या है इसको हमें कैलेंडर के थ्रू समझ लेते हैं यदि आपकी टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ पीस तक है तो आपको जी एस आर थ्री बी मंथली फाइल करनी है इसके लिए ड्यू डेट दिसंबर 2017 के लिए जी एस को फाइल करने की डेट ट्वेंटियथ जनवरी 2018 है जनवरी कि जी एस को फाइल करने की डेट ट्वेंटियड 2018 है फेबरी की जी एस को फाइल करने की लास्ट डेट ट्वेंटिय मार्च 2018 है मार्च की जी एस को फाइल करने की लास्ट डेट ट्वेंटी अप्रैल 2018 है अप्रैल की जीएसटीआर थ्री को फाइल करने की लास्ट डेट टेंथ मई 2018 है यदि आपने क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट की है और आपकी टर्न ओवर वन करोड़ रुपीज से कम है तो आपको जी एस टी आर वन इस प्रकार फाइल करनी है जुलाई से सितंबर 2017 के लिए लास्ट डेट टेंथ जनवरी 2018 है अक्टूबर से दिसंबर 2017 के लिए लास्ट डेट फिफ्टी ऑफ फेबरी 2018 है जनवरी से मार्च 2017 के लिए जी एस टी आर वन को फाइल करने की लास्ट डेट थर्टीथ अप्रैल 2018 है यदि आपकी टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो जी एस टी आर थ्री भी आपको मंथली फाइल करनी है ड्यू डेट जो हमने डिस्कस की हैं वैसे ही मंथली हैं और यदि आपकी टर्न ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ पी से ज़्यादा है तो आपको जी एस वन मंथली फाइल करनी है यानी कि जुलाई से नवंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन मंथ के लिए जो लास्ट डेट है वो टेंथ जनवरी टू थाउजेंड एटीन है दिसंबर के लिए जी एस वन को फाइल करने की लास्ट डेट टेंथ फेब्री टू थाउजेंड एटीन है जनवरी टू थाउजेंड एटीन को फाइल करने की लास्ट डेट टेंथ मार्च टू थाउजेंड एटीन है फेबुअरी टू थाउजेंड एटीन को फाइल करने की जी एस टी वन को फाइल करने की लास्ट डेट टेंथ अप्रैल 2018 है और मार्च 2018 के लिए जी एस टी वन को फाइल करने की लास्ट डेट टेंथ मई टू है जी और टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो पब्लिश करें तो इमिजिएटली उसकी इन्फॉमेशन आपके पास पहुंच जाए यदि आप जीएसटी की नॉन कॉम्प्लाइंस इंटरेस्ट और पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र करें यहाँ पे जीएसटी न्यूज़ टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल दिए गए हैं थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग दिस वीडियो